नमस्कार, हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हाईकोर्ट ने नए डीजीपी को कुंडू की मानहानि से जुड़ी शिकायत पर हुई एसआईटी जांच की समीक्षा करने के किए आदेश जारी। सीएम सुक्खू बोले, खनन माफिया ने शुकर व पुंगखड में क्रशर लगाकर डकार ली खनिज संपदा। विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ बयान पर कंगना को भेजा लीगल नोटिस, माफी मांगने की उठाई मांग। चूड़धार यात्रा के बदले नियम, अब मेडिकल फिटनेस के साथ पंजीकरण जरूरी। विजयपाल खाची का निष्कासन रद्द, कांग्रेस में हुई वापसी। कई भागों में प्रचंड गर्मी, 5 दिन लू जारी रहने का अलर्ट। सोहला सिंगी धार में झमाझम बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश हाईकोर्ट ने नए डीजीपी को पूर्व डीजीपी संजय कुंडू की मानहानि से जुड़ी शिकायत पर हुई एसआईटी जांच की समीक्षा करने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने इसी मामले में पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा पर जानलेवा हमला से जुड़ी एफआईआर पर एसआईटी जांच की समीक्षा का जिम्मा भी नए डीजीपी को सौंपने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने डीजीपी को समीक्षा के बाद अपने निष्कर्ष को स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश भी दिए। मामले पर अगली सुनवाई 21 जून को निर्धारित की गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में जनता की संपदा को पिछली बीजेपी सरकार में लूटा गया, बड़े बड़े माफिया तैयार हो गए, शुकर और पुंगखड में क्रशर लगाकर पूरी खनिज संपदा डकार ली। ऐसे बहुत दानवीर बनते हैं लेकिन भ्रष्टाचार कर कमाई करने में लगे हुए हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कस रही सरकार ने एक साल में 2,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कमाया। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत विक्रमादित्य सिंह पर लगातार हमलावर है और निजी हमले भी बोल रही है। वहीं इसको लेकर अब विक्रमादित्य सिंह की ओर से कंगना रनौत को लीगल नोटिस भेजा गया है और कंगना से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की गई है। साथ ही कंगना रनौत के चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग से रोक लगाने की मांग भी की गई है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। जिला सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए अब श्रद्धालुओं को नए नियमों का पालन करना होगा। प्रशासन ने यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण के साथ साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना शुरू कर दिया है। इसे लेकर तहसीलदार नौराधार ने नए दिशा निर्देशों की अधिसूचना जारी कर दी है। यात्रा के लिए किए गए बदलाव सूचना डीसी सिरमौर और एसडीएम संगड़ाह को भी भेजी गई है। हिमाचल के पूर्व मंत्री जय बिहारी लाल खाची के पुत्र और ठियोग विधानसभा क्षेत्र से 2022 में निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे विजयपाल खाची की कांग्रेस पार्टी में वापसी हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति की अध्यक्ष विप्लव ठाकुर की संस्तुति पर प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह विजयपाल खाची के निष्कासन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 23 से 28 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। आज मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। शिमला में भी धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। वहीं कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र की सोहला सिंगी धार में बुधवार शाम को फिर बारिश हुई। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।